गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश 2 यूनिट नंबर 15 एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब। पार्ट 4 में हमने एक्सरसाइज नंबर 2 कंप्लीट की थी और पार्ट नंबर 3 में हम एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। पार्ट 5 एक्सरसाइज नंबर 3 गिव द हेडिंग इंस्ट्रक्शन लिख लो। चलो से बीच वर्ड इन द ब्रैकेट इज write the answer of play with S. Okay? But when it
You have to write answer only one, that is play. Write down third, Harish. Harish, the tallest or all the boys in our month of the year.
फरवरी कितने मंथ होते हैं? एक ही है, तो वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कम्स कम्स आफ्टर जनवरी, राइट डाउन। सेवन, एवरीवन राइट डाउन। December, the last month of the year. December, the last month of the year, has had 31 days. December, कितने महीने होते हैं? एक ही, वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लिखेंगे? एस, क्या लिखेंगे? यहाँ देखो ईज और आर ऑप्शन में है, हमने लिखा आर है चिल्ड्रन मदर, क्या वो बच्चों की माता है? वो बच्चे, वो प्लूरल है, उसके साथ हमने आर लिखा। फिर हाउ मेनी मंथ इज ऑब्लिक आर देयर, मंथ प्लूरल है उसके साथ आर। February is the shortest month of the year. Comes. February एक ही month होता है और उसके साथ हमने लिखा comes. ऐसे ही December, the last month of the year, has 30 days. December एक ही month होता है तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? Has. The house belonging to those people. तो हाउस एक ही है, उसके लिए हम यूज करेंगे इज, नॉट वेरी ओल्ड। ठीक है, लिख लो चलो सब यहाँ तक। चलो सबके बातें ही कर रहे हैं, चलो जाओ, चलो खड़ा हो जाओ, जाओ उस तरफ, तू चला जाओ खड़ा हो नंबर। ऑल द वुमेन इन अवर विलेज in the fields.
husbands in the field. Field यानी कि कौन बोलेगा? Field यानी कि जो खेतों का है वो. तो गांव में सारी औरतें अपने हस्बैंड को खेत में हेल्प करती है. एवरी वुमेन प्लूरल है तो उसके साथ हम सिर्फ वर्ब ही लिखेंगे. राइट डाउन. दक्ष बोलो. ओके चलो नेक्स्ट. टेन इन ब्रैकेट डज ऑब्लिक डू Every boy in India go to school. Does only do every boy in India go to school? एक एक लड़के की बात हो रही है तो हम क्या लिखेंगे? डज सिंगुलर है तो उसके लिए हम आंसर क्या लिखेंगे? डज. राइट डाउन. The girl with the long. The girl with the long brown hair. The girl with the long brown hair. The girl कितनी है? एक है. Singular है वो. तो singular के साथ is की आर is. Write down. Is my niece. The girl with the long brown hair is my niece. Next, 12. The sound of the bells. Heard all over the house. The sound of the bells was there heard all over the house. Heard लिखा है तो heard past tense का है तो उसके sound of the bells प्लूरल है उसके साथ हम लिखेंगे वेयर. राइट डाउन. ओके स्टूडेंट्स और लेसन नंबर 15 एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विथ वर्ब इज कंप्लीटेड ओवर हियर.
इन नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट न्यू लेसन. ठीक है, ओके, थैंक यू.